So today we will start the document. So first is a small introduction of this chapter. So this chapter contains the history of periodic table. Periodic table कैसे बना? उसमें कौन-कौन से साइंटिस्ट जो है उन्होंने periodic table बनाया? क्या इसकी हिस्ट्री है? और आज तक जो हम आज मॉडर्न periodic table पढ़ते हैं, वहां तक पूरे जो है उसकी हिस्ट्री इस चैप्टर में है. फिर periodic properties हैं कुछ. एटॉमिक रेडियस होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, वैलेंसी. तो इस चैप्टर में हम पूरा periodic table के बारे में सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न periodic table है उसके ग्रुप्स और एलिमेंट हमें याद हो जाएंगे, किस में कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में पड़ा है. तो एक तरह से पूरी तरह से हमें क्रैम भी नहीं करना, लेकिन उसको पढ़ना इस तरीके से हमें उसकी पूरी नॉलेज हो जाए. तो बिफोर दी 18th सेंचुरी जब हमारे पास सिर्फ 13 एलिमेंट्स थे, तब कितने एलिमेंट्स थे? 13 एलिमेंट्स. तो तब इतना मुश्किल नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टीज को याद कैसे करना है. तो ईच एंड फॉर एवरी वन एलिमेंट के 13 एलिमेंट है टोटल, तो सबकी प्रॉपर्टी हम अलग अलग याद कर सकते हैं. लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, तब भी थोड़ा मुश्किल हो गया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद कैसे रखें. तब साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको क्लासिफाई करते हैं, किसी तरीके से इनके ग्रुप्स बनाते हैं ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टी को याद करना, समझना उसमें दिक्कत ना हो, आसान हो जाए. तो तभी से ये क्लासिफिकेशन जो है वो शुरू हुई. तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी अप्रोच से कुछ करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली जो जाके मॉडर्न periodic table बन गया. तो वो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे कैसे क्लासिफाई करने की कोशिश की. तो पहले हम लिखते हैं periodic table. होता क्या है, वट इज periodic table? तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो periodic table may be defined as the arrangement of all known element. जो element known है according to their properties in such a way that similar properties the elements of similar properties, जिनकी properties same है, are grouped together. In table form or tabular form is called periodic table. ये डेफिनेशन है इसकी. इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स. ओके, कौन से जो नोन एलिमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज दे आर ग्रुप्ड इन वन ग्रुप, कॉमन ग्रुप. जैसे पांच एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे. पांच एलिमेंट्स और है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो वो दूसरे एलिमेंट ग्रुप में आ जाएंगे. ऐसे उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए. तो अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री मीन्स कौन कौन से साइंटिस्ट की कौन कौन सी अप्रोच थी. इसमें हम फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे डबनियर, DOBER Debonair, tried rule or system.
सेकंड इसमें हम करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव। थर्ड करेंगे हम इसमें मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। और लास्ट में करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हम ये चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेवोनियर ट्रेड, सेकंड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, थर्ड है मेंडलीव। तो मेन हमें जो आज हम जो जिस पे काम करते हैं, जिसके बेस पे केमिस्ट्री चल रही है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से जो फर्स्ट थ्री हैं, ये तीनों ही अप्रोच जो है ये ध्यान रखना है अपने, ये मास नंबर के बेस पे है। और जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो पहली चीज ये होगी, अब हम एक एक करके इनको करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास डेवोनियर ट्रेड सिस्टम। और देखेंगे कि इनका क्या मेथड था क्लासिफाई करने का, इन्होंने क्या यूज किया, फिर देखेंगे इनकी कुछ लिमिटेशन भी आई होगी। सो योर फर्स्ट पार्ट इज डेवोनियर ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, तीन एलिमेंट एक ग्रुप में। तो ये 1817 डेवोनियर नाम का साइंटिस्ट था, उसका नाम था जे डब्ल्यू डेवोनियर, जिसने ये क्लासिफिकेशन दी, जर्मन का साइंटिस्ट था ये। तो उसने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री को इसीलिए उसका नाम है ट्राइड, ट्राइड का मतलब ग्रुप ऑफ थ्री। सो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री, दैट इज ट्राइड, एंड इन अ मैनर दैट, मेथड क्या अप्लाई किया उसने, इन अ मैनर दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ये उसका मेन रूल था जो उसने यूज किया, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो मिडल वाला एलिमेंट है, तीन होंगे तो तीन में जो सेंटर में होगा उसका जो एटॉमिक मास वाज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू और रफली नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, बाकी के जो दो एलिमेंट्स बच गए उनकी एवरेज के एग्जैक्टली इक्वल या फिर जैसे ये एग्जांपल। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, जो डेवोनियर है उसने अपनी इस कंसेप्ट के अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या यूज किया, एटॉमिक मास। मैंने बताया था पहले तीन जो है वो एटॉमिक मास पे बेस पे क्लासिफिकेशन हुई थी, और लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हुआ था एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो इसने एटॉमिक मास यूज किया, ये कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट,
दैट इज इक्वल और नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। जैसे इसने जो एक फर्स्ट ट्राई बनाई थी वो थी लिथियम एलिमेंट, ओके, सोडियम एंड पोटेशियम। सिंबल लिखे हम तो लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का होता है K। तो ये एक तीन एलिमेंट का ग्रुप बन गया, इसको ट्राइड बोलते हैं। तो अब एटॉमिक मास अगर हम लिखें इनके, एटॉमिक मास लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। तो बीच वाला जो एलिमेंट है दैट इज अ मिडिल एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए एवरेज, किस किस की एवरेज, 7 प्लस 39 बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 23। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन की थी डेबोनियर ने कि एक देखो एक ट्राइड के अंदर उसने तीन एलिमेंट ले लिए, जैसे ये तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, तो उसका क्राइटेरिया क्या था कि जो मिडल एलिमेंट है उसका मास बाकी दो एलिमेंट की एवरेज के या तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा या क्या होगा नियरली इक्वल होगा। तो और एग्जांपल करते हैं, तो सेकंड जो ट्राइड था जो डब्ल्यूएन ने लिया था वो था एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन से, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। अगर आप मॉडल प्रेडिक्ट टेबल देखो तो उसमें आज भी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 1 में, आगे हम करेंगे भी। तो ये कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये दूसरा ट्राइड था, इनके जो एटॉमिक मासेस हैं कैल्शियम है 40 और बेरियम है 137। तो अब दोनों की एवरेज लेंगे तो 40 प्लस 137 बाय 2, ये यहां पे हमारी आ जाएगी 88.5। अब इसका जो मास है वो 87.5 मींस नियरली इक्वल, मैंने ये नहीं बोला था कि वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होगा यहां नियरली इक्वल होगा। तो दूसरा जो ग्रुप डेबोनियर ने बनाया था वो इन तीन एलिमेंट का था, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, और ये तीनों एलिमेंट आज भी हमारे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप नंबर 2 में है। तीसरा जो था नेक्स्ट एग्जांपल वो थी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन होता है 127, इन दोनों की एवरेज लेंगे तो 35.5 प्लस 127 बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 81.2। लेकिन जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक मास इसके आसपास ही है, उसका एटॉमिक मास है 80। तो ये थी डेबोनियर की थर्ड ट्राइड जिसमें उसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा था, और मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में भी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि ये तीनों एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट है, इनको हम हैलोजन्स कहते हैं। तो ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पूरे एलिमेंट जब तब थे 30 एलिमेंट, तो पूरे जो एलिमेंट है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये इसकी मेन लिमिटेशन रही। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है न्यूलैंड, तो सेकंड जो हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल की हिस्ट्री के अंदर आता है साइंटिस्ट वो था न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये 1866 में न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, 1866, उसका पूरा नाम था J.A.R. न्यूलैंड।
तो अब इसका ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाता है ग्रुप ऑफ एट, ग्रुप ऑफ एट। तो इसमें इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? न्यूलैंड ने क्लासिफाई कैसे किया? तो वो कहता है कि वैल्यू लिख रहा हूं यहां, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अगेन इसमें भी क्या वर्ड आ रहा है? एटॉमिक मास नंबर नहीं आ रहा। एवरी एट्थ एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज दी प्रॉपर्टी सिमिलर टू, हैज दी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू। एवरी एट्थ एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ एट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट, टू दी फर्स्ट एलिमेंट, लाइक जैसे, लाइक एट नोट्स ऑफ ऑक्टेव, एट नोट्स ऑफ ऑक्टेव इन म्यूजिक। तो उसको म्यूजिक के साथ रिलेट किया है। म्यूजिक में आपने सुना होगा कि यहां पे सात सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रहता है। तो ऐसे ही उसी के बेस पे इसने क्लासिफाई किया है। तो कौन कौन सी सुर होती हैं? सा रे गा मा पा दा नी, तो ये सात सुर होती हैं, सा री गा मा पा दा नी, फिर सा आ जाता है। तो ऐसे उसने एलिमेंट अरेंज कर दिए। तो इसमें ग्रुप ऑफ एट की हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड एट्थ, फर्स्ट एंड एट्थ हैज सिमिलर प्रॉपर्टी, ये लिखेंगे यहां ग्रुप ऑफ एट की बजाय। एट का मतलब फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट है सिमिलर। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा सा रे गा मा पा दा नी, नी के बाद फिर आएगा सा के नीचे। तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैज दी सिमिलर प्रॉपर्टी हैज दैट ऑफ फर्स्ट। तो जैसे यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास फ्लोरीन यहां आ गया, सोडियम यहां पर आ गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद फिर नी, नी के बाद फिर सा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद पोटाशियम, कैल्शियम, गैलियम, सिलेनियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आ जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम आ जाएगा, एंड यहां पे आ जाएगा जर्मेनियम। तो ऐसे करते करते जो एवरी एट्थ, लाइक इसने यहां तक अरेंज किया था एटॉमिक मास 40 तक, इसका एटॉमिक मास हो जाता है 40। तो सा रे गा मा पा दा नी, नी के बाद जब नीचे जाएंगे सा, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये ग्रुप बन गया एक लिथियम सोडियम पोटाशियम और जर्मेनियम में भी सेम था, यहां भी सेम आ गया। अब फ्लोरीन क्लोरीन वो भी एक ही ग्रुप में थे, हाइड्रोजन की तो पोजीशन अनसर्टन है अभी भी, ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये ग्रुप नंबर टू आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये ग्रुप नंबर वन है और ये हमारा ग्रुप नंबर टू है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है, बोरोन फैमिली आ गई हमारी ग्रुप 13, कार्बन फैमिली आ जाती है 14, नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है 15, ऑक्सीजन आ जाती है 16। मीन्स जो क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने 1866 में की थी वही क्लासिफिकेशन के हिसाब से एलिमेंट आज भी प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस क्लासिफिकेशन का मेन बेस क्या था? एटॉमिक मास। और उन्होंने जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो एवरी एट्थ एलिमेंट कम अंडर द फर्स्ट,
So that's why it is called octave, because it is very similar to the notes of music, जो आठ सुर होती हैं music के अंदर, उसके साथ इनकी similarity है बिल्कुल। सारे गामा पादा नी के पास सा आएगा, तो ऐसे element जो है वो अरेंज होंगे। अब न्यूलैंड की लिमिटेशन थी एक दो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिटेशंस में क्या था, एक तो लिमिटेड था ये भी, जैसे डेपोडियल भी लिमिटेड एलिमेंट को अरेंज कर पाया, तो ये भी लिमिटेड था। लिमिटेशंस फर्स्ट है लार्ज ओनली एप्लीकेबल टू लिमिटेड एलिमेंट, ओनली एप्लीकेबल टू लिमिटेड एलिमेंट्स। कहां तक था ये, कब कहां तक इसने एप्लीकेबल हुआ, कैल्शियम तक, एटॉमिक मास 40। दूसरा जो पॉइंट है लिमिटेशन का, वो ये था कि उस समय जब इसने दिया ये 56 एलिमेंट्स नोन थे, वर नोन, 56 एलिमेंट्स वर नोन, बट सारे एलिमेंट को ये अरेंज नहीं कर पाया अपने इस लॉ से। तो ये दो इसकी मेन लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, थर्ड, तो दैट इज मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल धमयंती नाम था उसका मेंडलीफ, हम उसको डी आई मेंडलीफ बोलते हैं, और इसने कितने एलिमेंट अरेंज किए थे, ही अरेंज 63 एलिमेंट्स, और इसका क्राइटेरिया क्या था अरेंज करने का, अगेन द एटॉमिक मास। सो टेबल में जब हम लिखेंगे इसको कि क्लासिफिकेशन इसने कैसे की, तो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका बेस क्या था क्लासिफाई करने का, दैट वाज एटॉमिक मास, मींस क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब उसने एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, तो आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल, कुछ स्पेस के बाद एलिमेंट अपने आप ही जो है वो एक ग्रुप्स में अरेंज होते चले गए, मींस एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट, सो मीन्स आफ्टर सर्टन रेगुलर गैप एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप टुगेदर। तो इसमें उसने एक वर्ड यूज किया है पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मेन पॉइंट्स उसके क्या थे। तो पहली बात तो मेंडलीफ ने यूज किया एटॉमिक मास, कितने एलिमेंट अरेंज किए 63, तो इसका जो पीरियोडिक टेबल था फर्स्ट हम देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हैज, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स
से, जिस जैसे हमने मॉडल प्रोजेक्ट टेबल में लास्ट लेक्चर में किया था, वर्टिकल कॉलम्स विच आर गॉड, क्या बोला था तब हमने उनको, विच आर कॉल्ड ग्रुप्स, विच आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। ये ग्रुप और पीरियड जो है ये मेंडेलीव के प्रेडिक्शन से शुरू हुआ था। तो दूसरे पॉइंट में लिखें, मेंडेलीव के प्रेडिक्टेबल में ग्रुप्स कितने थे और पीरियड कितने थे। इसमें 8 ग्रुप्स थे और इसमें पीरियड्स थे 6। नेक्स्ट है, जो उसके 8 ग्रुप्स थे उसका नाम क्या था, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 ऐसे रोमन में 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल उतने ही बनेंगे क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं इनको उसने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जैसे फर्स्ट का ए और बी, सेकंड का ए और बी, थर्ड का ए और बी, फोर्थ का ए और बी, 7 तक उसने डिवाइड कर दिया ए और बी में, ठीक है। 7 तक उसने डिवाइड कर दिया ए और बी में। तो ये ग्रुप्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 ग्रुप्स हो गए इसकी, और 7 तक उसने डिवाइड कर दिया इनको ए और बी में। तो ए और बी में 7 तक डिवाइड किया तो ये 14 हो गए। एक जीरो ग्रुप था इसमें, इंट्रोड्यूस बाद में हुआ, मॉडिफाई हुआ था मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल। एक मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल आएगा, एक आएगा मॉडिफाइड मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल। तो फर्स्ट से लेके 7 तक दे आर सब ग्रुप, दे आर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। 8 में 3 ग्रुप थे ऐसे, एक ट्राइड थी, तीन तीन के ऐसे पेयर्स। तो इसको हम मॉडर्न प्रेडिक्टेबल से भी कंपेयर करेंगे, कहां पे है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर आज अगर देखें तो कहां पे है ग्रुप नंबर 8, तो वो हम इसमें देखेंगे। पीरियड थे उसमें 6, 1 से लेके 6 तक नीचे को जाएंगे, पीरियड्स होती है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये था ओवरव्यू इसका जो मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल है। इसकी कुछ अचीवमेंट्स थी और कुछ इसकी लिमिटेशंस भी थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।